आगामी सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर मोदी सरकार ने इस सत्र को बुलाने का फैसला किस उद्देश्य से लिया है। इसे लेकर राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही है। गणेश चतुर्थी के दिन से ही नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही है। इसी बीच खबर आई है कि सरकार ने संसद के कर्मचारियों के परिधान में कुछ नए बदलाव किए हैं। सूत्रों के अनुसार संसद के कर्मचारियों को नई ड्रेस डिजाइन की गई है, जिसके बाद अब वो नई ड्रेस में वहां दिखाई देंगे। इसके साथ ही संसद में मौजूद जो मार्शल होते हैं वो भी अब सफारी सूट की जगह क्रीम रंग के कुर्ते पजामे में नजर आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इन नए बदलावों के बाद विपक्ष को आपत्ति हो सकती है। तो चलिए जानेंगे इस रिपोर्ट में कि आखिर नए संसद भवन में ऐसे क्या नए बदलाव किए गए हैं जिससे गर्मा सकती है राजनीति। संसद भवन के विशेष सत्र में संसद भवन के कर्मचारी अब नई ड्रेस में नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ड्रेस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। सचिवालय के कर्मचारियों के बंद गले सूट को बदलकर अब मजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट कर दी जाएगी। कर्मचारियों के शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग के होंगे, जिन पर कमल का फूल बना होगा, और वो खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। दोनों सदनों के मार्शल की ड्रेस भी बदली जा रही है, वो मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों की वेशभूषा भी बदली जाएगी। अब तक वो सफारी सूट पहनते आए हैं, इसके बजाय उन्हें सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी। पुरानी संसद भवन में सदन की कार्यवाही का अंतिम दिन 18 सितंबर है। गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को विधिवत पूजा के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा। 19 सितंबर से नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही चलेगी। 19 सितंबर को पुराने संसद भवन के निर्माण से लेकर अब तक की यादों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद पूजा कर नए संसद भवन में प्रवेश होगा और दोनों सदनों की साझा बैठक भी हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि नए संसद भवन में नए बदलावों से विपक्ष को आपत्ति हो सकती है। बताया जा रहा है कि वर्दी पर कमल की छाप के साथ नए संसद भवन में राज्यसभा के कालीनों को भी कमल की आकृति से सजाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष आपत्ति जता सकता है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, लेकिन ये प्रस्ताव राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है, क्योंकि ये केंद्र का सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। अधिकारियों के मुताबिक सभी 18 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से नए यूनिफॉर्म के लिए डिजाइन का प्रस्ताव सुझाने को कहा गया था। एक अधिकारी ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति ने उन प्रस्तावों में से नई वर्दी को अंतिम रूप दिया है। तो अब नए संसद भवन में इस विशेष सत्र में कर्मचारी नई ड्रेस में दिखाई देंगे। देखना होगा कि इससे क्या राजनीति गर्माती है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।